please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दुनिया में आतंकवाद की धुरी बन चुके पाकिस्तान के नए पीएम इमरान खान ने दावा किया कि उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ेगी। कट्टरपंथियों के लिए हमदर्दी रखने वाले इमरान ने दलील दी कि पाकिस्तान को अमन की जरूरत है, इसलिए उनकी सरकार आतंकवाद से लड़ेगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्र के नाम दिए अपने पहले संदेश में इमरान खान ने पड़ोसियों से संबंध अच्छे करने का भी इरादा जाहिर किया। पाकिस्तान की पीएम इमरान खान ने ऐलान किया कि उनकी सरकार सभी पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। इंशाल्लाह हम सारे हमसायों से अपने ताल्लुकात बेहतरीन करेंगे। पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अमन जब तक नहीं आता हम अपने ये जो हमारा आधी आबादी गुरबत की लकीर या उससे नीचे है हम इसको ऊपर नहीं उठा सकते। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सारे हमसायों से अपने बेहतरीन रिलेशनशिप करें। गवर्नमेंट का काम है कि जो सारी पार्टीज़ ने 20 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पार्टीज मानी हुई हैं, इंशाल्लाह ये हम पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि दहशतगर्दी को हमने इस मुल्क से ख़त्म करना है। अमन जब तक नहीं आएगा इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में गुस्साए लोगों ने जुलूस निकाला, दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया क्योंकि गैंगरेप और हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने विरोध जताने के लिए वहां जुलूस निकाला। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ भी की। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इतने से भी जब हालात नहीं सुधरे तो पुलिस वालों को कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। लोगों के गुस्से को देखते हुए उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। आरोपी की उत्तरकाशी में 12 साल की मासूम के गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरपुर रेप कांड में 2 आईएएस अफसर भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि दोनों आईएएस अफसरों से सीबीआई जल्द ही पूछताछ कर सकती है। दोनों अफसर मुजफ्फरपुर रेप कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के करीबी माने जाते हैं और दोनों पर उसे फायदा पहुंचाने का शक है। मुजफ्फरपुर रेप कांड में सीबीआई ने पूर्व मंत्री और सत्ताधारी जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर रावत से भी 5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रावत ने ब्रजेश ठाकुर से किसी भी तरह का रिश्ता होने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में नाम आने के बाद जेडीयू ने दामोदर रावत के बेटे राजीव रावत को पार्टी के महासचिव के पद से हटा दिया। पूछताछ के बाद दामोदर रावत ने भरोसा जताया कि सीबीआई जांच में सच सामने आएगा। उन्होंने खुद के और अपने बेटे के बेकसूर होने का भी दावा किया। ब्रजेश ठाकुर से हमारा संबंध है हमारे पुत्र के माध्यम से, यह बिल्कुल निराधार है। नाम लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है, परमाणु दिखा दें कि क्या है, हम लोग कब उनसे मिले हैं, क्या उनको सहयोग किया है। मलप्पुरम में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम समेत बचाव दल के लोगों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। बाढ़ में फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो वहां पानी ज्यादा होने की वजह से महिलाओं को नाव पर चढ़ने में दिक्कत हो रही है। महिलाओं की समस्या को देख एनडीआरएफ की टीम में शामिल एक जवान नाव के आगे पानी में पीठ के बल बैठ गया। महिलाएं उसकी पीठ पर पैर रखकर नाव पर चढ़ने लगी तो इस शख्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की। दरअसल जवान की पीठ पर बाढ़ का बोझ देखने को मिला, वहां पर लोगों को नाव तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही थी। हम तस्वीरों में देख कर सकते हैं ये शख्स पीठ के बल लेट गया और इसके ऊपर चढ़कर लोग नाव पर बैठे और उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन को गति मिल पाई। केरल में हालात ज्यादा खराब हैं, ऐसे में लोग जो है इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। लोगों की मदद करने के लिए ये शख्स पानी में पीठ के बल लेट गया और इसके ऊपर चढ़कर लोग नाव तक पहुंच पाए। बाढ़ के चलते केरल के सभी जिलों में जारी रेड अलर्ट को भले ही हटा दिया गया हो लेकिन हालात अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। केरल के इडुक्की में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। पानी से भरी सड़क में बसों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ से इडुक्की जिला बुरी तरह प्रभावित है, यहाँ कई गाँव पूरी तरह पानी से घिर गए हैं। आपदा से जूझते केरल में प्रभावितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना भी अपनी पूरी ताकत के साथ जुटी है। वायुसेना के जाबाज जवान लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। केरल के कोची में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को बाढ़ के पानी से घिरे एक मकान की छत पर उतार दिया।
छत पर हेलीकॉप्टर उतारने के बाद जिसके बाद जवानों ने वहां से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। केरल में बाढ़ से बेहाल हुए लोगों को अगर आप कुछ भी मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मदद कर सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर के साथ एसटीडी कोड दिया गया है 1077। इसके अलावा अलग अलग इलाकों के नंबर्स है, कन्नूर है, वायनाड, कोझिकोड के ये नंबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, पलक्कड़, त्रिशूर, क्योंकि कई संगठन हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आम लोग भी वहां पर मदद करना चाहते हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में ये हेल्पलाइन नंबर्स, इमरजेंसी नंबर्स आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके जरिए आप मदद पहुँचा सकते हैं। कर्नाटक के मंगलूर में भी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। सड़क और रेल मार्ग को बारिश से बड़ा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से कई जगहों पर रेलवे लाइन भी पानी में बह गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी के बहाव से रेलवे पटरी के नीचे से मिट्टी तक खिसक गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरअसल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात वहां पर किस कदर खराब हो चुके हैं। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन पहाड़ी इलाकों का हाल ज़्यादा खराब है क्योंकि बारिश से कई जगहों पर रेलवे लाइन भी पानी में बह गई है। पानी के बहाव से रेलवे पटरी के नीचे से मिट्टी तक खिसक गई है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया जिनमें कोडगु जिला सबसे ज्यादा प्रभावित बताया गया। राज्य सरकार ने कोडगु जिले में बाढ़ से 6 लोगों की मौत की जानकारी भी दी, साथ ही 7,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का दावा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने हवाई दौरा किया। इस बीच सीएम ने हरंगी बांध के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए और बांध के गेट खोलने पर भी अधिकारियों से बात की। हवाई दौरे के बाद सीएम ने जानकारी दी कि कर्नाटक का कोडगु जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पहाड़ खिसकने की वजह से 11,000 से ज्यादा मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है जिनमें सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य में करीब 30 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं जहाँ 3500 लोगों ने शरण ली। बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 200 करोड़ की राहत राशि जारी करने की भी घोषणा की। केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश भले ही थम गई हो लेकिन आम लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। राज्य के कई जिलों में संपर्क अब भी टूटा हुआ है, ऐसे में राहत और बचाव के काम में जुटे जवान लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केरल के पलक्कड़ में जिन गाँव का संपर्क टूट गया है वहां तक पहुंचने और लोगों को राहत देने के लिए आरएएफ के जवान अस्थायी पुल बना रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आरएएफ के जवान तेज बहाव के बीच अस्थायी पुल बना रहे हैं। आरएएफ के जवान अब तक इसी तरह के कई पुल बना चुके हैं, पीड़ित लोगों तक मदद पहुँचाई गई है। तो यहाँ पर इन जवानों की तारीफ करनी होगी, लोगों की मदद के लिए ये लोग पहुँच रहे हैं और खुद अस्थाई पुल बनाने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अभी तक कई अस्थाई पुल बना चुके हैं। दरअसल कई इलाके ऐसे हैं केरल में जहां पर संपर्क टूट गया है, मुख्य धारा से संपर्क टूट गया है। लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें होती हैं खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की भी दिक्कत पेश आ रही है, ऐसे में आरएएफ के जवान भी दिन रात जुटे हुए हैं और यहाँ पर अस्थाई पुल बना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के कई नेताओं ने सिद्धू के पाकिस्तान जाने को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और सिद्धू के पाकिस्तान जाने को जवानों की शहादत का अपमान बताया। सिद्धू को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिद्धू सहित राहुल गांधी को शहीदों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने पर तंज कसा। गावस्कर और कपिल देव जी ने जाना ठीक नहीं समझा, उनका कि सरकार जब कहेगी तो जाएंगे। इनको वो पिता मान रहे थे, उनको छोड़ के मित्र के वहाँ पहुँच गए। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपने पुराने दोस्त इमरान खान के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे। वो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुँचे लेकिन वहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से हुई जिन्हें देखते ही सिद्धू ने उन्हें गले लगा लिया, जिसे लेकर भारत में सियासी घमासान मच गया और बीजेपी सिद्धू के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई। हालांकि कांग्रेस ने सिद्धू का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। सद्भावना मिशन के तहत गए नवजोत सिद्धू जी,
और उनके जाने का मकसद कोई अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके सिद्धू का बचाव किया और लिखा कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह और दोनों राष्ट्रों के बीच दोस्ती के संदेश में भाग लेने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को पूरे नंबर मिलने चाहिए। इमरान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सिद्धू को पीओके के राष्ट्रपति मसूद खान के साथ बिठाया गया था, जिसे लेकर भी बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की।